इन्होंने कहा थाली बजाओ, हम भी लग गए थाली बजाने में। इन्होंने कहा ताली बजाओ, हम भी थाली बजाने में लग गए। हमने इन्होंने कहा मोमबत्ती जलाओ, हम भी मोमबत्ती में लग गए। इन्होंने कहा कोरोना खत्म हो जाएगा, सब लोग घर में बंद हो जाओ। पूरे देश की रोड सुनी हो गई थी, एक आदमी तुम्हें बाहर नहीं मिलेगा, रोड सुनी हो गई। हमसे ये कहा कि ये विपक्ष जो है सारा पाकिस्तानी है, देशद्रोही है। हमने कहा यार हम राष्ट्रभक्त बन जाए, हम मोदी जी को वोट दे दें। हमने मोदी जी को, यार कब तक मानेंगे? ये देश बिक गया भाई, पूरा जनता बिक गई, किसान का एक एक दाना बिक गया, सब कुछ बिक गया। बचा क्या है? मुझे ये बता दो कि ये बचा है। अब मोदी जी मुझे बेचना चाहते हैं, किसान को बेचना चाहते हैं, हमारी जमीन बेचना चाहते हैं, हमारे बच्चों को सौदा करना चाहते हैं। तुमने घरवाली छोड़ दी, हम छोड़ेंगे नहीं, हम मरेंगे लड़ेंगे और यहाँ जीतेंगे, कहीं जाने वाले नहीं है। हमें मान लो ये तो पता नहीं है कि गेहूँ कौन से मौसम में बोया जाता है और तरबूज कौन से पेड़ पे लगता है। पेड़ ही बताएगी वो तरबूज का भी, वो बताएगी किसानों के बारे में क्या बोल रहा है। अरे नचनिया है भैया, पहले नाचती थी डायरेक्टर के इशारे पर, आज नाच रहे मोदी के इशारे पर। तो जो उसका काम है वो करे, जब कुछ नहीं बचाना तब किसान माने। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने भी किसान तो मान लिया, बिल भी मानेंगे और उनके बाप को भी मानना पड़ेगा। नोटबंदी पर भी देश चुप था, जीएसटी पर भी देश चुप था, लूट जो इन्होंने बीच में मचाई, जो घोटाले करे उन पर भी देश चुप था। लेकिन अब तो अन्नदाता पे बात आ गई भाई, ये मर जाएंगे तो देश ही खत्म हो जाएगा। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट और बीच से हट जाए, ये लड़ाई आमने सामने की है। हमने सरकार चुनी, हमने कोर्ट नहीं चुना। सरकार ने कानून हमारे खिलाफ बनाई है, सरकार से लड़ाई है। सरकार अगर हमारा सीने में गोली मारना चाहती है तो ये सीना हाजिर है, अगर हमारे भाइयों से गोली मरवानी चाहती है तो हम सबके सीना हाजिर है। और उनकी ऐसी कौन सी गोली बनी है मोदी जी, तुम्हें गुजरात मुश्किल पड़ जाएगा। देश में हमने ला दिया है लेकिन अब गुजरात ढूंढना मुश्किल पड़ जाएगा। मैं बता रहा हूँ, देश का किसान जाग चुका है, देश का अन्नदाता जाग चुका है। जिसे राष्ट्रभक्त बताया था ना, वो आज राष्ट्रभक्त असली राष्ट्रभक्त बन गया था। तुमने हमें नकली राष्ट्रभक्त बनाया था, लेकिन आज मेरे जो जज्बा और जो खून दिल में दौड़ रहा है ना, वो असली राष्ट्रभक्ति का दौड़ रहा है। मोदी जी बच के रहना इन किसानों से, किसान ने इसे अन्नदाता ने तुम्हें वहां बैठाया है। ये अन्नदाता कभी भी नीचे खींच के ला सकता है। देखो सबसे पहले मैं कानून पर आ जाता हूँ भाई, इस कानून के असलियत बता रहा हूँ आप लोगों, जरा मेरे जो बड़े बुजुर्ग हो भी समझ लेना थोड़ा सा। 2016 में अडानी एग्री लॉजिस्टिक्स लिमिटेड को ये अधिकार दे दिया गया, एग्रीमेंट कर लिया गया मोदी सरकार ने, अडानी कंपनी है AALL। लेकिन वो कंपनी 2017 में रजिस्टर्ड होती है, 2016 में उसको ये सारे अधिकार दे दिए गए। अब इसके बाद जो आनी पानीपत में इन्होंने बनाया है, अडानी एग्रो पानीपत लिमिटेड कंपनी जो बनाई है, उसमें 50,000 मीट्रिक टन की गुंजाइश है। हमारा किसान क्या मांग रहा है? अपना अधिकार, अपना एक गारंटी। MSP तो मांग रहे हैं ना भाई, इनको नहीं मिल रही है। लेकिन उस अडानी कंपनी को अगले 30 साल के लिए गारंटी दे चुके हैं, 1340 रुपये 95 पैसे प्रति टन की गारंटी, रखने की, बेचने की अभी अलग बात करेंगे। ये तो सिर्फ रखने की गारंटी दे चुका है वो अडानी को, लिखित में है। कहो तो मेरे फ़ोन में सॉफ्ट कॉपीज है, हार्ड कॉपीज नहीं है। ये सारी चीज़ उसको तो दे सकता है अडानी को, भाई इनको क्यों नहीं दे सकता? इसीलिए वो खुद भी जोर लगा लिए, हर तरीके के हथकंडे अपना लिए भाई। आंसू गैस उन्होंने छोड़ ली, पानी उन्होंने छिड़क लिया, 60 से ज़्यादा हमारे शहीद हो गए, सड़कें उन्होंने खुदवा ली, क्या क्या नहीं करके देख लिया, इल्ज़ाम भी सारे लगा दिए, पाकिस्तानी अफगानिस्तानी पता नहीं क्या क्या सब कुछ बता दिया इनको। जब कुछ नहीं बचाना तब किसान माने इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने भी किसान तो मान लिया, बिल भी मानेंगे और उनके बाप को भी मानना पड़ेगा। सच्चाई की लड़ाई है भाई, कोई जोर जून की लड़ाई नहीं हो रही है। जिस अत्याचार पर, जिस जुल्म से वो लोग जीतना चाह रहे हैं ना, बहुत हो चुका। नोटबंदी पर भी देश चुप था, GST पर भी देश चुप था, लूट जो इन्होंने बीच में मचाई, जो घोटाले करे उन पर भी देश चुप था। लेकिन अब तो अन्नदाता पे बात आ गई भाई, ये मर जाएंगे तो देश ही खत्म हो जाएगा, ये नहीं हो पाएगा सवार। इसलिए इस बार अन्नदाता सामने खुद आकर बैठ गया कि आ जा भाई, देखते हैं तुझे तू या हम इस बार पार की होगी। ताजा खबर है ये, एक हेमा मालिनी सांसद जो बीजेपी की है, कह रही है कि इनको पता ही नहीं है ये विरोध किस चीज का कर रहे हैं। भाई चार गेहूं की बाली हाथ में लेकर हेलीकॉप्टर से उतर के खेत में आ जाओ, फोटो खिंचवा लो, वो भी चुनाव के टाइम पर, इतना तो उसे पता है। जिस हेलीकॉप्टर में गई थी ना, उसे ये नहीं पता हो कितने पंखड़े होते हैं हेलीकॉप्टर में। किसान तो वो होता है ना जो ट्रैक्टर में जाए, अपने खेत में जाए, उसे बीज का रेट भी पता है, फसल का टाइम भी पता है। हेमा मालिनी को ये तो पता नहीं है कि गेहूँ कौन से मौसम में बोया जाता है और तरबूज कौन से पेड़ पे लगता है। पेड़ ही बताएगी वो तरबूज का भी, वो बताएगी किसानों के बारे में क्या बोल रहा है। अरे नचनिया है भैया, पहले नाचती थी डायरेक्टर के इशारे पर, आज नाच रहे मोदी के इशारे पर। तो जो उसका काम है वो करे, यहाँ ज्ञान ना बांटे किसानों को। हमें, हमारे किसानों को अच्छी तरह से पता है हमें क्या फसल है, क्या अधिकार है, क्या हमारे राइट्स हैं। वो बताएगी जो दो दो पैसे पर डांस करने मेरे पास, आज पैसा मार यहाँ नचवा लो स्टेज पर उसको, और आएगी। तो जनता की प्रतिनिधि भी है, आप ऐसे कहते हैं। डांसर नहीं है, भरतनाट्यम के डांसर नहीं है, हाँ या ना में बता दो ना भाई, डांसर है या नहीं है, डांसर है या नहीं है, मैं खुद
प्रोफेशनल है ना, तो मैं कह रहा हूँ मेरे पास पैसा तो यहाँ के नाचे लगी। अगर मैं ना चाह सकता हूँ भाई, मेरे पास तो पैसे की बात कर रहा हूँ, मोदी के पास तो पैसा और पावर दोनों है, वो कैसे नहीं ना चाह सकता। देखो विषय कानून का है, लड़ाई कानून की है, किसानों के अधिकार के, ऐसे चुटकुले रोज देते हैं ये, इस पर ध्यान भटकाना चाहता है, ये इनके मुद्दे हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। अरे मेन पॉइंट पर बात क्यों नहीं करते बैठकर? सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी बनाई उस कमेटी को किसानों ने निरस्त कर दिया, एकदम से मना कर दिया कि नहीं चाहिए, उस पर बात ही नहीं करेगा कोई सा भी। सबूत भी तो दे रहे हैं भाई, हम तो कह रहे हैं हमारी बात को गलत सिद्ध कर दो। जिन चार लोग कमेटी बताई है उनमें तीन लोग वो हैं जिन्होंने किसान बिल के पक्ष में लिखित में दिया है। भाई एक इसी विषय पे एक मैं बोलना चाहता हूँ यार, मुझे एक बात बताओ, सुप्रीम कोर्ट ने कानून को होल्ड कर दिया ना, अब हम भी होल्ड है भाई, हिंदी में आ जाओ भाई। सुप्रीम कोर्ट ने कानून को रोक दिया, हम दिल्ली के बॉर्डर पर रुक गए, बात बराबर है। सुप्रीम कोर्ट का हम सम्मान करते हैं, पर यह मत कहो कि खत्म कर दिया। सुप्रीम कोर्ट अगर कानून खत्म कर दे, कैबिनेट कर कानून को खत्म कर दे, जो देश की संस्थाएं कर सकती हैं वो कानून खत्म कर दे, हम उल्टे अपने घर को लौट जाएंगे। अगर होल्ड की बात है, इसे हिंदी में कहें तो हम रुके पड़े हैं, तो हम बॉर्डर पर रुके पड़े, कानून कोर्ट में जहां रुक दी वहां रोक दी, इससे ज्यादा कोई बात तो नहीं है ना। सुप्रीम का हमने रद्द नहीं किया तो हम भी आगे नहीं जा रहे हैं, यहाँ बैठे हैं, हमारे नेता ये कह देंगे कि आगे चलना है तो आगे चलेंगे, तो हम यहीं बैठे हैं। हमने कहा हमें हमारा, देखो आप लोग मीडिया वाले मुझे ये बता दो कि आप ही लोगों ने मुझे बताया कि हमसे ये कहा गया था कि अफगानिस्तानी हो, खालिस्तानी हो, पाकिस्तानी हो, देशद्रोही हो, आतंकवादी हो, किसानों ने तुम्हारे सामने कहा ना कि तुम किसान हो, ये कहा ना कोर्ट में, तो ये तो साबित हो गया ना कि हम किसान हैं। अब लड़ाई रह गई हमारी और मोदी जी की, ठीक है, अब ये दो दो हाथ होंगे। हम कोर्ट से आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं, बीच में आए, अगर हमारे बीच में आए तो ये किसान ने कानून की मांग नहीं की थी, और जिनने की थी उनको सामने लाओ। तो किसान ने कोई कानून की मांग नहीं की, हमने हमारा निवेदन कोर्ट से ये है कि मोदी जी को आदेश दे ये कानून को ख़त्म करें, कानून को बिल्कुल एकदम हमें चाहिए नहीं, और इस किसान वापस चला जाएगा, और नहीं तो सुप्रीम कोर्ट और बीच से हट जाए। ये लड़ाई आमने सामने की है, हमने सरकार चुनी, हमने कोर्ट नहीं चुना, सरकार ने कानून हमारे खिलाफ बनाई, सरकार से लड़ाई है। सरकार अगर हमारा सीने में गोली मारना चाहती है तो ये सीना हाजिर है, अगर हमारे भाइयों से गोली मरवानी चाहती है तो हम सबके सीना हाजिर है। और उनकी ऐसी कौन सी गोली बनी है मोदी जी, तुम्हें गुजरात मुश्किल पड़ जाएगा, देश में हमने ला दिया है लेकिन अब गुजरात ढूंढना मुश्किल पड़ जाएगा। मैं बता रहा हूँ, देश का किसान जाग चुका है, देश का अन्नदाता जाग चुका है, जिसे राष्ट्रभक्त बताया था ना, वो आज राष्ट्रभक्त असली राष्ट्रभक्त बन गया था। तुमने हमें नकली राष्ट्रभक्त बनाया था, लेकिन आज मेरे जो जज्बा और जो खून दिल में दौड़ रहा है ना, वो असली राष्ट्रभक्ति का दौड़ रहा है। मोदी जी बच के रहना इन किसानों से, किसान ने इसे अन्नदाता ने तुम्हें वहां बैठाया है, ये अन्नदाता कभी भी नीचे खींच के ला सकता है। और मैं फिर बता रहा हूँ कि गुजरात ढूंढना मुश्किल पड़ जाएगा, कहाँ से आए हैं ये बताओ यार। अगर एक ट्रेन चली है, एक ट्रेन दिल्ली से मुंबई के लिए चली है, बीच में स्टेशन पर रुक गई, जाएगी तो मुंबई ही, अगर दिल्ली से मुंबई के लिए चले जाएंगे तो मुंबई भैया, बीच में स्टेशन पर रुके, वो हाल आपने बिल का कर दिया, बिल पास होना इनके हिसाब से तो सुप्रीम कोर्ट ने कहते स्टे लगा दिया, मतलब उनका मकसद तो वही हुआ, बाद में पूरा कर देंगे। हमारा भी वही, अभी भैया भी वही कह रहे थे, हमने कौन सा भाग दौड़ मचा रखी है, हम भी आराम से बैठे स्टे पे अपने। पर ये बताइए, बीजेपी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि आपको कानून मंजूर नहीं, समिति सुप्रीम कोर्ट बना रहा है, आपको मंजूर नहीं, तो आप तो हर चीज पे कानून में अगर किसी किसान के प्रतिनिधि मंडल को लिया गया हो तो हमें मंजूर है, जो कमेटी बनाई गई है हमारे किसी बड़े जो ओरिजिनल प्रतिनिधि मंडल है, देखो एक प्रतिनिधि मंडल उन्होंने भी तैयार कर रखा है, जो पिछले 30 दिन में बना के तैयार करी है कमेटियाँ, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ओरिजिनल प्रतिनिधि मंडल की बात कर रहा हूँ। उस कमेटी में 2 बंदे तो हमारे भी होते, किसानों के 4 की कमेटी बने, भाई 2 यहाँ से लो, 2 अपने लो, उनकी बात कराओ, वो बताएंगे ये क्या फ़ायदा हो, जो पहले से बिल 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 गा रहे हैं आज उठाकर वो हमें बिल के फ़ायदे बताएंगे। एक बात बताओ भैया, अगर हम दोनों दुश्मन हैं, मेरी आपकी लड़ाई है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपको रेट दे देता है, अरे हाँ दुश्मन से याद आया भैया, ये तो वही सरकार है ना जो यहाँ पे इंक्वायरी करने के लिए पाकिस्तान के ISI को बुलाती है, इन्हें नहीं पता इंसाफ कहाँ से होता है, इंसाफ परस्ता ही नहीं है, यहाँ तो बम यहाँ फट दें पाकिस्तान एजेंसी आती हैं, जब इन लोगों को हमारे देश की एजेंसियों पर भरोसा नहीं है, सरकार को किसानों पर कहाँ से कर लेंगे ये लोग। एक बात मैं फिर बोलूँगा, देखो कि मोदी जी किसानों को और देश की जनता को ये लगता है कि कोर्ट का ये फैसला
कोर्ट ने अपनी समस्या ठीक किया है, खून खराबा ना हो, हम पे छींटे ना आए, वो ठीक किया है कोर्ट का। कोर्ट का मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं मोदी जी का हाथ है। अच्छा। मोदी जी का हाथ है, क्यों? मोदी जी भी बहुत दिन से कह रहे हैं, और वहाँ गुजरात में, बंगाल में, बिहार में, मन की बात में बहुत अच्छा कानून है, किसानों को बरगलाया जा रहा है, किसानों को समझाया जा रहा है। हम नहीं मान रहे ना, हमने माना। क्या माना? जब हम मानते थे तो पूरी तरीके से मानते थे। इन्होंने कहा थाली बजाओ, हम भी लग गए थाली बजाने में। इन्होंने कहा ताली बजाओ, हम भी थाली बजाने में लग गए। हमने इन्होंने कहा मोमबत्ती जलाओ, हम भी मोमबत्ती में लग गए। इन्होंने कहा कोरोना खत्म हो जाएगा, सब लोग घर में बंद हो जाओ। पूरे देश की रोड सुनी हो गई थी, एक आदमी तुम्हें बाहर नहीं मिलेगा, रोड सुनी हो गई। हमसे ये कहा कि विपक्ष जो है सारा पाकिस्तानी है, देशद्रोही है। हमने कहा यार हम राष्ट्रभक्त बन जाए, हम मोदी जी को वोट दे दें। हमने मोदी जी को, यार कब तक मानेंगे? ये देश बिक गया भाई, पूरा जनता बिक गई, किसान का एक एक दाना बिक गया, सब कुछ बिक गया। बचा क्या है? मुझे ये बता दो कि ये बचा है। अब मोदी जी मुझे बेचना चाहते हैं, किसान को बेचना चाहते हैं, हमारी जमीन बेचना चाहते हैं, हमारे बच्चों को सौदा करना चाहते हैं। तुमने घरवाली छोड़ दी, हम छोड़ेंगे नहीं, हम मरेंगे, लड़ेंगे और यहाँ जीतेंगे, कहीं जाने वाले नहीं है। ये देश हमारा है, हमारे बाप का है। तुम्हारा है, तुम्हारे बाप का है कि नहीं है मुझे ये पद जानकारी नहीं, पर मैं इतना जानता हूँ ये देश हमारे बाप का है। मैं लड़ता रहूँगा, डटा रहूँगा, इस देश में पैदा हुआ, इस देश में मर जाऊँगा। तुम्हें अगर लगता है कि तुम्हारे लिए पाकिस्तान सुरक्षित है तो पाकिस्तान चले जाओ। तुमने चाइना वाले के साथ झूला झूला, अगर तुम्हें लगता है कि चाइना सुरक्षित है तो चाइना चले जाओ। ये देश हमारा है, हमें कोई प्रधानमंत्री और मिल जाएगा, अब नहीं मिलेगा तो 24 में मिल जाएगा। इसलिए हम लड़ते रहेंगे, ये कानून वापस नहीं होगी तब तक हम डटे रहेंगे। जाति जाति हमारी किसान है, और धर्म हमारा हिंदुस्तान है। इससे अलावा कोई बात, हेमा मालिनी सांसद है। अगर जिन किसानों का वो पक्ष रख रही हैं, उन किसानों के बारे में कभी दो शब्द अगर लोकसभा में बोले हो तो तुम मुझे बता देना। और जब वो फिल्मों में काम करती थी तो जैसे भाई ने कहा कि डायरेक्टर के इशारे पे उनका डांस होता था, आज हमारे मोदी जी के इशारे पे डांस हो रहा है। हेमा मालिनी का इधर से कहो, इधर से निकाल दो, कोई सवाल पर अमल मत करो। उन्हें छोटी गाड़ी पसंद नहीं, बड़ी गाड़ी पसंद है, किसानों में बदबू आती है। वो हेमा मालिनी जो 2.5 लाख का सेंट लगाती हूँ, 5 लाख का सैंडल पहनती हूँ, 18 लाख की साड़ी पहनती हूँ, यार वो हेमा मालिनी। हम किसानों की बात करो, ओ भैया उन्हें उमनी की लोकसभा राज्यसभा मुबारक हो। हम अपने कीचड़ की जिंदगी जी रहे, मोदी जी हम अब समझ गए कि तुम्हारी दी हुई जिंदगी जी रहे। हमें 15 लाख का लालच नहीं, हमें हवाई जहाज पर उड़ने का लालच नहीं, हमें किसान बनना है, किसान रहने दो। हमें किसान से ज्यादा हम देश का और कुछ नहीं बनना चाहते। हमें जो करना है हम समय आने पर कर लेंगे। फिलहाल ये किसानों की कानून जो है वो वापस ले लो, ये बता देना खबर।